हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSTC काउंसलिंग की फोर्थ काउंसलिंग के बारे में। तो बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने को मिल रहे थे कि फोर्थ काउंसलिंग की लिस्ट कब जारी होगी, और साथ ही में बहुत से अभ्यर्थियों ये भी प्रश्न देखने को मिल रहा था कि सर थर्ड लिस्ट की क्या कटअप रही है। तो संपूर्ण अपडेट की मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको BSTC की संपूर्ण अपडेट आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने नीचे की तरफ ऐसा एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर आपको डायरेक्ट क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करने के लिए पास में बने इस बेल बटन पर भी प्रेस कर देना है, ताकि चैनल सब्सक्राइब होने के बाद नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपके मोबाइल में पड़ते BSTC के अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन माध्यम से मिल जाएगी और सबसे पहले आप BSTC के अपडेट को पा सकेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जैसे ही फोर्थ लिस्ट की अपडेट आएगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इस हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी और आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम BSTC की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों कल के अगर डेट में देखा जाए, एक नई अपडेट थी जहाँ पर आपके एक एक तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर 15 अक्टूबर हो गया था और आज जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो 16 अक्टूबर लास्ट कर दी गई है। अगर आप कुछ यहाँ पर अभी तक कॉलेज में परिवर्तन करना चाहते हो तो कॉलेज में जरूर परिवर्तन कर दीजिएगा और राजस्थान पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको BSTC में कहीं ना कहीं कॉलेज की अपडेट में आपका सीट निश्चित हो सकेगी। बात कर लेते हैं फोर्थ लिस्ट कब जारी होगी। तो दोस्तों, आज लगभग 16 तारीख हो गई है और लगभग इस प्रक्रिया में 10 दिन तो मिनिमम लगते ही, यानी कि 25 या 26 तारीख को, यानी दिवाली से पहले लगभग आपका दोस्तों काउंसलिंग का हो जाएगा फोर्थ लिस्ट का। अगर नहीं होता है तो फिर 30 या 31 को लगभग आपका काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। अधिकांश चांस दोस्तों 25-26 तारीख को है, अगर नहीं होता तो 10% चांस आपके 30 और 31 तारीख को रहते हैं। 30-31 तारीख को तो पक्का आपके यह पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में दोस्तों आपके इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली है नवंबर में। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको इसकी भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। अधिकांश बच्चों क्वेश्चन है थर्ड लिस्ट की क्या कट ऑफ रही है, तो मैं आपको बता दूं थर्ड लिस्ट कट ऑफ वो सेकंड लिस्ट से मात्र 1 या 2 नंबर कम है, जो कि मैंने आपको बता दी थी वही रही है। जो OBC की है वो 380 रही है, लेकिन कई अभ्यर्थियों का 378 पर भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने अधिकांश कॉलेज चूज किए थे जहाँ पर OBC की कम कट ऑफ थी, वहाँ पर उनकी दोस्तों सीट निश्चित हो गई थी। तो ऐसे उठ पटांग थर्ड लिस्ट की कट ऑफ रही है, लेकिन फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ जो मैंने आपको बताई वही रहेगी। अगर नहीं देखा है कट ऑफ का वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, फोर्थ लिस्ट काउंसलिंग कट ऑफ के नाम से एक वीडियो है उस प्लेलिस्ट के अंदर, जो आप जरूर देख लीजिएगा। यही थी दोस्तों आज की संपूर्ण अपडेट। कुछ और राय जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।